फ्रेंड ये है 15 KVA का 3 फेज का अल्टरनेटर। इसकी जो स्लिप रिंग है ये जल गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाली स्लिप रिंग पूरी तरह से जल गई है बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो जब ये चल रहा है तो यहाँ पर स्पार्क हो रहा है और एक फेज इस तरह से लुप हो रहा है। तो इस स्लिप रिंग को हम चेंज करेंगे। एक बार मैं आपको इसको चला करके दिखा देता हूँ किस तरह से स्पार्क हो रही है। चलाओ, तो फ्रेंड आपने देखा किस तरह से यहाँ पर स्पार्किंग हो रही है। अब हम इसको खोलेंगे। सबसे पहले ये चोक खोलेंगे, चोक जो है यहाँ से खोलेंगे। एक बोर्ड ये लगा है और एक बोर्ड ये लगा है और एक बोर्ड ये लगा है। इस पहले इस चोक को हटा लेंगे और साथ में ये जो तार लगे हैं यहाँ पर इन तारों को खोलेंगे, इन दोनों तारों को खोलेंगे, चारों तारों को खोल देंगे और चोक को बाहर को निकालेंगे। उसके बाद यहाँ से ये जो कवर है इस कवर को यहाँ से खोलेंगे, ठीक है। कवर को बाहर निकालेंगे उसके बाद हम स्लिप रिंग को बाहर को निकालेंगे। तो फटाफट से हम ये चोक खोल लेते हैं और कवर को बाहर को निकाल लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पर हमने चोक वगैरह सब कुछ हटा दिए, इसकी चोक वो रही और पीछे का कवर ये रहा और हमने इसका बैरिंग भी निकाल दिया। अब हम यहाँ पर ये जो बोल्ट लगे ये चारों बोल्ट फटाफट से खोल लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पर हमने सारे तार खोल दिए और ये प्लग निकाल दिया। अब हम स्लिप रिंग को बाहर को निकालेंगे, इसको हम धीरे धीरे टाइट करेंगे, ये आराम से बाहर को आ जाएगी। ये देख लो आराम से इजली आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत टाइट ज़्यादा हो जाती है तो दिक्कत होती है। तो ये पुली आपको स्लिप रिंग आराम से बाहर को आ गई है और ये है दूसरी पुली, वो दूसरी स्लिप रिंग। तो इसका बोर छोटा है तो हमें ये ख़राब मशीन पे इस साइज का बोर कराना पड़ेगा। उसके बाद हम इसके अंदर लगाएंगे जिस तरह से ये लगी थी। तो फटाफट से हम इसको लगा लेते हैं बोर करा करके। फ्रेंड ये हमने स्लिप रिंग को इस साइज़ का बना लिया जिस साइज़ की हमें ज़रूरत थी। अब हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे, पुरानी वाली को हटा देते हैं और नई वाली को हम इस तरह से लगाएंगे और पीछे से चोट मार करके इसको ठोकेंगे। फ्रेंड यहाँ पर हमने स्लिप रिंग ठोक दी है और जितनी पहले बैठी थी हमने उतनी ही ठोकी है। अगर आप इसको खोलें तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे और जितनी इसमें बैठी है उसे हम उतनी ही हम ठोक देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर ये तारे वगैरह सब लगा दिए और ये हमने इसमें एक पेपर लगा दिया है नीचे ताकि ये तार जो है यहाँ पर टच ना हो। पहले ये पेपर नहीं लगा था, अभी हम इस पेपर को चिपका देंगे अच्छी तरह से। तो चिपका देंगे, ये नोमैक्स पेपर है। उसके बाद हम इसके ऊपर कॉटन टेप लपेट देंगे और उसके बाद यहाँ पर ये इसकी जो है बैरिंग प्लेट ये लगा देंगे और ऊपर से ये बैरिंग लगा देंगे। तो अब हम इसका बैरिंग लगा लेते हैं। मैं मोबाइल का स्टैंड भूल करके आ चुका हूँ तो इसलिए मुझे हाथ से पकड़ना पड़ रहा। तो फ्रेंड हमने इसका बैरिंग पीछे का कवर और चोक वगैरह सब फिट कर दिया और कनेक्शन भी जैसे थे वैसे के वैसे ही कर दिए। अब हम इसको चला करके चेक करेंगे। फ्रेंड आप देख सकते हो स्लिप रिंग अच्छे से काम कर रही है, कोई भी स्पार्किंग वगैरह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड किस तरह से आप स्लिप रिंग चेंज कर सकते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती है।